अब क्या किया है आप यहाँ पे राजकाल में? तो लूट पाट डकैती क्या हुआ है? हर महीने में दो बार सबको राशन मिल रहा है, मध्यम वर्ग को भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि वाला पैसा सबके डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है। रहा सिलेंडर की बात, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है। जैसे कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, एक बड़े बहुमत के साथ यदि सरकार आती है, और बहुत लोगों को उम्मीद भी रहती है कि एक परिवर्तन लाएगी जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार चली जाती है, क्या लगता है जो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा दिखाया था योगी सरकार पे, क्या अभी भी वो बना हुआ है? 100% बना हुआ है। और एक मौका जो है योगी जी को और मिलना चाहिए, ताकि जो भी विकास कार्य जो है इनके अधूरे हैं या बीच रास्ते में हैं वो पूर्ण हो सके। और जनता से मैं खुद अपील करता हूँ कि योगी सरकार 2022 में जो है पुनः जो है आ रही है, और भारी बहुमत से आ रही है। ये हर आदमी की, हर जन की यही पुकार है। अब जैसे बिगुल तो फूंकी चुका है चुनाव का, थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव कुछ दिन पहले बोलते नजर आए थे कि वो 400 से ऊपर का टारगेट कर रहे हैं, क्या लगता है? 500 बोल देना, बोलना 500 बोल दें, 400 तीन सीट है, 400 ले लेंगे, बाकी लोग छीन लेंगे। वही सवाल आता है कि तीन की किसके लिए छोड़ दिया उन्होंने? नहीं तो पूरा ले लेना चाहिए ना, जब बोलना ही है तो 500 बोलो। अब क्या किया है आप यहाँ पे राजकाल में? तो लूट पाट डकैती क्या हुआ है? हर महीने में दो बार सबको राशन मिल रहा है, मध्यम वर्ग को भी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि वाला पैसा सबके डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है। रहा सिलेंडर की बात, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है, यह सबके लिए लागू है। ऐसा थोड़ा कि सभी गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित नेताओं के हाथ में है, सुरक्षित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो सुरक्षित सुरक्षा सबका विकास सबका साथ लेकर चलते हैं। कोरोना पे अगर बात पूछें तो पहली लहर के बाद बहुत उम्मीद थी कि सरकार को एक तैयारी होनी चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं ये फेल्योर नहीं है योगी सरकार का, जिस तरह से इसमें है माहौल बिगड़ा दूसरी लहर में? ये पंचायत चुनाव के बाद से माहौल थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन जो योगी जी ने कर दिया है इस सेकंड वेव के में, वो किसी ने नहीं किया है। क्या जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है योगी जी ने दौरा किया है, सबसे मिले जुले हैं, सबका हाल चाल लिए हैं, सबको संसाधन मुहैया कराए हैं। इसमें कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश भी की है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्ट है, ठीक है शॉर्ट है, जब दैवीय आपदा आ जाएगी थी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये दैवीय आपदा है, कोरोना दैवीय आपदा है, बिल्कुल दैवीय आपदा है। एक एक घर में देख लीजिए, चार चार लोग, पाँच पाँच लोग जो है गिरे हुए हैं, तो दैवीय आपदा ही है ना। जो भी दवा उन्होंने दिया है, बाकायदे सीएम कार्यालय से फोन आता था पेशेंट के पास, पेशेंट के अटेंडेंट के पास, डीएम कार्यालय से आता था, एडीएम कार्यालय से आता था, आपका पेशेंट कैसा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमको फला नंबर सूचित करिए। वो योगी सरकार का काम जिसके बेसिस पे आप ये कहें कि हाँ योगी सरकार को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए? बहुत मौका, उनको मौका मिलना ही चाहिए। ये सब जो है मतलब समझ लीजिए कि विपक्षी पार्टियाँ ये हो रही हैं, गठबंधन आपने देख ही लिया है, महागठबंधन देख ही लिया है, पूरी जनता देख ली है, इन सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। ये सफाई में महोत्सव कराते हैं, योगी जी अयोध्या में दीपक जलवाते हैं, ये लैंड क्रूजर गाड़ी जो होती है 3-3 करोड़ की, उससे चलते हैं। योगी जी ने साफ मना कर दिया था, मैं अखिलेश की गाड़ी से ही चलूँगा, जो 5 साल पुरानी गाड़ी चलते हैं, और मेरे विधायक चाहे मेरे मंत्री जो भी हैं उनको खासियत में इनोवा से चलेंगे। अभी तक 2017 में योगी जी की सरकार आई, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई, कोरोना हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। आपको क्या लगता है कि क्या इन सारी चीज़ों को योगी सरकार ने ठीक तरह से हैंडल किया है? नहीं नहीं, बहुत से गरीब मारे गए हैं, और बहुत से बच्चे एकदम जाहिल हो गए हैं, अम्मी लोग भी एकदम परेशान हो गई हैं, उनकी जब सरकार जब से आई कोई सुविधा अच्छी नहीं मिली है। योगी सरकार माइनॉरिटी की बात करती है, कई बार कहा गया है उनकी तरफ से कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी भी लेके चलते हैं, क्या लगता है योगी सरकार ने उस तरह से ख्याल रखा है माइनॉरिटी का? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखा। क्या लगता है अगर मान लीजिए रोजगार पे बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं पे बात करें, क्या वो चीज़ें लोगों को मिल रही हैं? नहीं, रोजगार तो बिल्कुल सबके लिए एकदम बेकार हो गया है, अच्छे अच्छे लोग एकदम परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, सबकी रोजी रोटी खराब हो गई है, कोई सुविधा सही अच्छी नहीं मिली है, सब
सरकार एकदम बहुत ज़्यादा बेकार है। आपका क्या मानना है कि अगर योगी ने ठीक नहीं काम किया तो उनकी जगह एक कौन सी सरकार होनी चाहिए जो मुस्लिम कम्युनिटी का भी ध्यान रखेगी? मुलायम सिंह अच्छी सरकार ने बनाया है, उन्हीं को आना चाहिए।